असम के महावीर लचित बोरफुकन के 400 जन्म जयंती उत्सव में एक सप्ताह का लंबा कार्यक्रम चला, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम जिला प्रशासन और जिला पुलिस की तरफ से भी आयोजित किया गया। तामुलपुर पुलिस ने इससे पहले 18 नवंबर को मार्च पास्ट किया। उसके बाद में 20 नवंबर को हमारे 3-4 कार्यक्रम रहा, जिसमें स्वच्छ भारत द्वारकुसी में पुलिस बीट का ओपनिंग, उसके साथ में लचित केयर फॉर सीनियर सिटीजन और दरंगा मेला में वीर लचित कैरियर काउंसलिंग सेंटर फॉर यंग गन्स का हमने आयोजन किया। उसके साथ में कल इवनिंग में हमने एक म्यूजिकल ट्राइब्यूट दिया वीर लचित को, और उसी कड़ी में आज सुबह तामुलपुर थाना में रोड सेफ्टी रैली निकाला गया, जिसमें रोड रूल्स से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए लोगों को अवेयर किया गया। और इसी कड़ी में ये नेक्स्ट प्रोग्राम था गोरेश्वर में मोहरीपारा एरिया में, जहाँ पे वीर लचित के नाम से एक पुलिस बीट की स्थापना किया गया है। गोरेश्वर स्वाकुर एरिया के बीच में करीब 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और किसी यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, तो किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट करने में हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता था। उस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए और लोगों तक डोर स्टेप तक पुलिस को पहुँचाने के लिए हमने इस मिडल पॉइंट को पिक किया और यहाँ पे एक पुलिस बीट का स्थापना किया है, जहाँ पे 24/7 पुलिस का आदमी रहेगा, और कोई भी घटना होने पे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होने पे वो इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग और सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग का हमारा जो एम है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम का जो उद्देश्य है, आसाम पुलिस का जो उद्देश्य है, उसको हम पूरा करने में काबिल हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और इसी ओपनिंग के साथ में ही यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में राहत मिलेगा, साथ में इसी के बाद में हम लोग एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस रैली यहाँ भी करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए जो लोग अच्छा फॉलो करता है उनको हम एक गमछा दे के सम्मानित करेंगे, और जो वायलेटर्स हैं उनको आज के दिन हम पनिश नहीं करेंगे। इस महान उपलक्ष्य पे हम उनको एक पेन दे के एक रिमाइंड करेंगे कि आप हमेशा घर से जब भी निकलें, अपना घर में लिख के रखिए कि आप जब भी निकलेंगे हेलमेट पहन के निकलेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। Skodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট JEE APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল Skodemy এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।